ज्वाइन तो बहुत अच्छी है इसके, बहुत ही माइनर है। तो स्टोरेज तो इस किचन में बहुत ही बढ़िया और अच्छा स्टोन वर्क किया हुआ है। इस पूरे घर में आपको मिलते हैं एसीज, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? नया दिन, नई शुरुआत। आज प्रॉपर्टी पे है 500 गज के साइज में, सुशांत फेस टू के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है, बहुत ही अच्छी अप्रोच है। बहुत लोगों के कॉल आते थे कि यार अगर आप दिखा रहे हैं इन सेक्टर्स में तो 500 गज का साइज और 200 गज का साइज, 300 गज का साइज, ये सब के मिक्सचर आप दिखाओ। तो मैं आज लेके आया हूँ 500 गज का साइज। नेक्स्ट वीडियो शायद 200 और 250 गज के अंदर में से होने वाली है। तो आज जो मैं दिखा रहा हूँ प्रॉपर्टी वो है सुशांत फेस टू में। अच्छा काम किया हुआ है, काफी बैलेंस लेआउट है, सर्टन लुक का टेस्ट है बिल्डर का, और काम भी बहुत अच्छा किया हुआ है। वर्कमैनशिप कहीं से कहीं दिक्कत आपको नजर नहीं आएगी। एसीज आपको सारे मिलेंगे, फ्लोरिंग आपको इटालियन मिलेगी, 4 बेडरूम 4 वॉशरूम के साथ मिलेगा। तो ये जो मैं आपके साथ जो चलता हुआ आ रहा हूँ ना, इसका जो मेन मोटिव है कि बात करते करते भी आपको थोड़ा सा घर का पीछे का लुक समझ में आए कि क्या मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। बहुत ही अच्छा काम। अप्रोच की अगर बात करें तो गोल्फ कोर्स रोड सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर दूर आपको यहाँ से मिलती है, मेट्रो स्टेशन आपको 200 मीटर दूर मिलता है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड वो भी 100 मीटर दूर मिलती है। तो आप बोलोगे यार सारी चीज़ें घर के बिल्कुल पास में है, तो हाँ जी, ये घर बहुत ही नियरेस्ट पड़ता है गोल्फ कोर्स रोड से और एक्सटेंशन रोड से। और मार्केट की अगर बात करें तो सेक्टर 56 की मार्केट पास में है, हांगकॉन्ग बाजार पास में है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल 2 मार्केट बहुत है, स्कूल हॉस्पिटल सब कुछ आपके बहुत नियरेस्ट है। जो लोग मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करो यार। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही और आपके शेयर करने से ही किसी का बेनिफिट हो जाए जो आपके सर्कल में है। तो जो लोग साइबर सिटी की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ ये 10 मिनट की ड्राइव रहती है यहाँ से साइबर सिटी की। तो बहुत लोग साइबर सिटी के एक बेंचमार्क पे आते हैं गुड़गांव के अंदर कि साइबर सिटी के नियरेस्ट दे दो, साइबर सिटी के नियरेस्ट दे दो। तो मुझे लगता है कि 5 मिनट से थोड़ा सा और गाड़ी चला के 10 मिनट में एक अच्छे तरीके से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, और बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच है, कहीं आपको जिगजैग लाल बत्तियां नहीं जाना पड़ेगा। आ जाओ स्टार्ट करें। हाँ जी, वेलकम बैक। ये है आपका इसका मेन डोर, ग्रूव के साथ है, डिजिटल लॉक आपको मिलता है, ग्रैंड फील देता है। 500 गज के हिसाब से एक अच्छा डोर बना हुआ है और 55, 56, 57 के हिसाब से भी डिसेंट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके लेआउट के साथ। तो एंट्री करते ही ये तो आपको मिलती है लॉबी, फैमिली लॉन्च, किसी भी तरीके से मल्टीपर्पज आप इस लॉबी को यूज़ कर सकते हैं। आपको फ्रंट में मिलता है बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राइन डाइनिंग, तो ये बहुत अच्छा आपको कनेक्टेड मिल जाता है। ये आपको पाउडर रूम का स्पेस मिलता है, फर्स्ट बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, सेकंड बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, सेंटर में आपको मिलता है ब्यूटीफुल एल शेप में किचन, जिसको भी आपको बालकनी के साथ कनेक्शन मिलता है। तो ये मिलता है आपको थर्ड बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, फोर्थ बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, और सुंदर सा मंदिर का स्पेस। तो आप करते हैं प्रणाम और स्टार्ट करते हैं वीडियो को यहाँ से। ब्यूटीफुल लेआउट, ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग और ब्यूटीफुल ही काम। और आप देखो मैं बहुत दूर आपको यहाँ से नजर आ रहा हूँ, मेरा बिल्कुल नॉर्मल कैमरा रहता है, कोई वाइड एंगल नहीं करके दिखाता, बिल्कुल बेसिक कैमरास के अकॉर्डिंग भी आप देखो तो बहुत दूर आपको मिलता है। ये आपको हाईलाइटेड वॉल मिलती है,
जिसमें आप LCD पैनल का ये स्पेस बन के मिलता है, तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो और इस पर LCD भी लगा सकते हो। ये सुंदर सा मंदिर का स्पेस मिलता है, सामने तो मार्बल जैसी टाइल्स लगी हुई हैं और अच्छा स्टोन वर्क किया हुआ है, और नीचे आपको ये देखो पूरा का पूरा मल्टीपर्पज स्पेस आपको मिलता है। आज हम उल्टा करते हैं, आज हम किचन से आपको इसे दिखाते हैं। बहुत लेडीज कहती हैं यार किचन आप 2 मिनट में ख़त्म कर रहे हो, तो मैं आज थोड़ा सा टाइम जरूर लूँगा आपका किचन के अंदर। तो जितनी बड़ी किचन है तो इतना अच्छा रिव्यू भी मिलना चाहिए। एंट्री करते ही आपके सामने की तरफ देखें तो आपको एक L शेप में आपको पैटर्न मिलता है स्लैब का, और ये आइलैंड भी बन सकता था बट बिल्डर ने नहीं बनाया। आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको स्टोरेज मिलती है, जिसमें आपको ये क्रॉकरी यूनिट समझ लें आप इसको, और ये आपके सामने टॉल यूनिट। तो स्टोरेज तो इस किचन में बहुत ही बढ़िया मिलती है। यहाँ पे माइक्रोवेव OTG आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको हब और चिमनी लगकर मिलेगी, और ये पूरा का पूरा क्वार्ट्ज आपके सामने भी लगा हुआ है और आपके टॉप पे भी यही है। ये वेजिटेबल के लिए है, सिंक आपके यूटेंसिल्स के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा एक मिक्सचर आपको मिलता है। यहाँ पे एक और स्टोरेज, यहाँ पे आपका RO का प्रोविजन के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है, और ये आपकी बैक साइड की बालकनी। तो बहुत लोग आते हैं जिनको वेंटिलेशन चाहिए होता है, तो प्लीज़ एक बार आप देख लो, बढ़िया वेंटिलेशन आपको मिलेगा। शाम को खोल लो आप, बढ़िया सी ठंडी हवा आपको मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट आपको सनलाइट यहाँ पे नहीं मिलती। तो ऊपर आप देखें सारे के सारे आपके ग्लास प्रोफाइल के शटर्स हैं, जो बहुत अच्छी लुक देते हुए अच्छा ये बैलेंस लेआउट आपको इस किचन का नज़र आएगा। और आप देखें सामने मिट्सुबिशी की आपको ACs मिलते हैं। ये है इसका ब्यूटीफुल डाइनिंग और ड्राइंग रूम का स्पेस, बहुत ही ह्यूज काफ़ी वाइड आपको मिलता है। फॉल सीलिंग टॉप नॉच है, बहुत ही अच्छे डिज़ाइनिंग में, मॉडर्न कंसेप्ट में, और आप नेचुरल लाइट देखो, अभी इस टाइम हम खड़े हैं शाम को 4:15 बजे, बहुत ही अच्छी रोशनी। अगर हम देखें वॉल के ऊपर तो वॉल पेपर और वुडन पैनलिंग और स्टोन वर्क, ये तीनों का मिक्सचर आपको इस वॉल पे नज़र आएगा, जिसमें आपको मिरर वर्क भी है, वुडन पैनलिंग भी है, और स्टोन वर्क भी है, और वॉल पेपर का क्लासिकल डिज़ाइन भी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सिंप्लिसिटी में ये घर आपको मिलता है। ड्राइंग डाइनिंग बहुत ही बैलेंस बनाया है, ऐसा नहीं कि बहुत लेंथी कर दिया, जितनी यूटिलिटी जितना स्पेस मिलना चाहिए उतना स्पेस दिया हुआ है। फ्रंट की जो बालकनी है बहुत ही लेंथी है, जिसको 3 तरफ से एक्सेस मिलता है, आप ड्राइंग रूम से मिलता है और बाकी 2 बेडरूम से मिलता है। तो मैं वो आपको लास्ट में दिखाता हूँ, सो दैट आपको पूरा कवर हो जाए। अब चलते हैं हम इसके पाउडर रूम की तरफ। ये है इसका पाउडर रूम, हालांकि टाइल थोड़ी लाइट और डार्क कॉम्बिनेशन में है। मुझे लगता है कि इसमें ग्लास का जब पूरा का पूरा फ्रेम आएगा तो उसकी लुक और इन्हांस हो जाएगी। कॉलर की सारी फिटिंग्स मिलती हैं आपको, और ये आपको WC, इसमें जो WC मिलता है वो आपको ऑटो एडजस्टेबल मिलता है। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में। ये है बेड की बैक, इटालियन आपको नीचे मिलेगा, बहुत ही छोटे माइनर से जॉइंट हैं, बट ये ग्रेन्स जो है ना, जॉइंट तो बहुत अच्छे हैं इसके, बहुत ही माइनर हैं आप देख सकते हैं। अगर हम ओवरऑल साइज की बात करें तो रूम का साइज इस फर्स्ट बेडरूम के अकॉर्डिंग ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक अच्छा डिसेंट साइज बन के मिलता है। 300 गज का मास्टर बेडरूम का साइज आप मान के चलो ये आपको मिलता है, और इसका जो वॉशरूम है बहुत ही ह्यूज है। ये आपको टाइल्स ग्लोसी फिनिश में आपको टाइल्स मिलती हैं, डार्क ग्रे कलर में, नीचे मैट फिनिशिंग की टाइल्स हैं। टॉप बहुत ही ब्यूटीफुल मिलता है, कॉलर का वॉश बेसिन है, कॉलर की सारी फिटिंग्स आपको मिलती हैं, और ये 4 सेक्शन वार्डरोब बहुत ही अच्छे शटर्स लुक में आपको, बहुत ही प्यू पॉलिश के ऊपर रुकी है, और ये है अंदर मैट फिनिशिंग का लैमिनेट। ये आपको फुल फ्रेम मिलता है, पार्टीशन कलर की सारी फिटिंग्स मिलती हैं, बाथिंग एरिया बहुत ही अच्छा काम, वेरी नाइस। फर्स्ट बेडरूम के साथ ये फर्स्ट अटैच वॉशरूम था, अच्छा काम किया हुआ है।
फॉल सीलिंग भी दिखाऊँ मैं आपको तो बहुत ही अच्छी दर्शन के लिए। फर्स्ट बेडरूम से जब बाहर निकलते हैं तो आपको अगेन लॉबी के अंदर आप आते हो, तो ये भी बहुत अच्छा है। और ये सामने जो हाईलाइट वॉल है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी, और ज़्यादा हैवी वर्क भी नहीं है और बिल्कुल भी ना के बराबर नहीं है, तो बहुत ही अच्छा काम। सामने अगर हम एंटर करें, ये बड़ा बेडरूम है, ये पूरी हाईलाइटेड वॉल है, अभी इस पर लास्ट फिनिशिंग चल रही है, तो मैं यार ऑलरेडी चारों फ्लोर अभी इसमें अवेलेबल थे, तो मैंने कहा पहले ही वीडियो बना लेता हूँ। तो रूम का साइज आपको इस एंगल से पूरा का पूरा साइज नज़र आ रहा होगा। हॉल सीलिंग आपको बहुत ही अच्छी लगती हुई, तो मैं आपको इसके फ्रंट के बालकनी में लेके चलता हूँ। ये पूरी पूरी लेंथ आपको रनिंग में मिलती है। नीचे आपको देखिए तो मैट फिनिशिंग की टाइल्स हैं जो वुडन टेक्सचर में मिलती है, और सामने की तरफ देखें तो वॉल पे टेक्सचर है जिसे सैंडस्टोन कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा काम, आपके सामने पूरी की पूरी आपकी सीलिंग में आपको WPC जिसमें LED प्रोफाइल लाइट्स के साथ मिलती है। तकरीबन 5 फीट वाइड आपको ये बालकनी मिलेगी। यहाँ पे आपको प्लांटर्स के लिए टैप भी दी हुई है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। फ्रंट की बालकनी को 3 तरफ से एक्सेस मिलता है, 2 बेडरूम से और 1 ड्राइंग डाइनिंग से। तो आ जाओ मेरे साथ, अब मैं दिखाता हूँ इसका इस रूम का ड्रेसर। अगर आप ध्यान से गौर करें तो इस वॉल पे भी, ये कंसेप्ट वॉल है, इस पे भी काम बाकी है, और सामने की वॉल पे भी काफ़ी वाइड ग्रूव भी हैं, आपको इसमें भी काम नज़र आ रहा है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके ड्रेसर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5 सेक्शन वार्डरोब है, टॉप टू बॉटम। यहाँ पे आपको ग्लास मिला हुआ है ड्रेसर, तो आप अपना तैयार वगैरह हो तो यहाँ पे एक बार लास्ट आप चेकआउट करके निकल सकते हैं। तो ये है इसके साथ अटैच वॉशरूम, जो आपको एक लुक में तो पूरा का पूरा काम आपको स्टोन वाला नज़र आता है, बट ये टाइल्स हैं, इसका टॉप इटालियन का है, बाकी सारी जगह टाइल्स आपको लगी हुई मिलेंगी। तो ये फुल फ्रेम आपको पार्टीशन मिलता है, फिटिंग आपको सारी कॉलर की मिलती है। तो ये था इसका अटैच वॉशरूम। हमने 2 बेडरूम कवर कर लिए, हमने ड्राइंग डाइनिंग कवर कर लिया, और हमने लॉबी कवर कर ली, और मंदिर का स्पेस और किचन कवर कर लिया। तो अब हम चलते हैं ये 2 बेडरूम्स में, और ये हमारी एंट्री है। वेस्ट फेसिंग का प्लॉट है, नॉर्थ की ये एंट्री है। अब हम आते हैं इसके 3rd बेडरूम में, साइज बहुत अच्छा निकल के आता है। ये बेड की बैक जिसमें वॉलपेपर और क्लासिकल डिज़ाइन और वुडन पैनल, ये तीनों का तीनों मिक्सचर नज़र आएगा। इसमें 2 वॉल डिज़ाइनर हैं, एक तो ये जिसपे आपको बेड आएगा, और एक सामने की वॉल वो भी आपको डिज़ाइनर मिलती है जिसमें आपको वॉलपेपर और क्लासिकल डिज़ाइन आएगा। तो रूम का साइज बहुत ही अच्छा निकल के आया है। अगर हम डायग्रेली देखें तो ये पूरा जो पूरा रूम का साइज आपको समझ आ जाएगा। इटालियन की फ्लोरिंग आपके सामने, और फॉल सीलिंग बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी और से नहीं पूरे के पूरे घर में दी है, और बहुत ही बैलेंस फिनिशिंग जो यहाँ पे नज़र आई है। तो ये है इसका वॉशरूम, ये है इसका ड्रेसर का एरिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेक्शन वार्डरोब आपको यहाँ पे मिलती है। ये आपको ड्रेसर की आते हैं इसके वॉशरूम में, वेरी नाइस टॉप, बहुत ग्रैंड पीस एंड फील, क्लासी फिनिशिंग, सोलर स्पेस आपको मिलता है आपको कुछ चीज़ें रखने के लिए। कॉलर की फिटिंग है, टाइल का शेड निखर के आ रहा है, बहुत ही अच्छा लगता होगा। तो ये बेडरूम भी और ये वॉशरूम भी बहुत ही अच्छा लुक देता हुआ। तो ये था इसका 3rd बेडरूम, और ये है डोरसेट के हैंडल, तो अच्छा डिज़ाइनिंग में आपको मिलता है। तो अब आ जाओ इसके लास्ट बेडरूम में। ये पूरी हाईलाइटेड वॉल है जिसपे आपको ग्रूव का काम नज़र आएगा। ये बेड की बैक है, वुडन पैनलिंग आपको नज़र आएगी जिसमें कंसील्ड डोर है वॉशरूम का, प्रोफाइल लाइट्स आपको क्वांटिटी में नज़र आएगी, और ये वॉल पे पेंट नहीं है, वॉलपेपर है। तो पूरे घर में इन्होंने एक हाईलाइटिंग
अब वॉलपेपर मान के चलो हाईलाइटर है, हर जगह आपको वॉलपेपर मिलेगा, आप अपने अकॉर्डिंग भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मिट्सुबिशी का एसीज मिलते हैं, आपने ठीक पीछे के तो देखें तो मेट्रो आपको नजर आती है। पीछे की जो बालकनी है उसको तीन तरफ से एक्सेस है, किचन से और बाकी दो बेडरूम के साथ। तो पीछे की बालकनी में काम चल रहा है और हम सीधा आपको दिखाते हैं इसका वॉशरूम। ये है इसका ड्रेसर का स्पेस, वार्डरोब आपको सारी नज़र आती हुई। ये आपको मिरर मिलता है, फुल लेंथ का आपको मिरर मिल रहा है। फिर भी आपको अंदर की दिखा देते हैं, मैट फिनिशिंग का लैमिनेट वुडन टेक्सचर में और ग्लास लुक में आपको एल्यूमिनियम प्रोफाइल के साथ। तो ये है इसका वॉशरूम, लाइट कलर की टाइल्स को यूज किया है और ये फुल फ्रेम आपको मिरर ब्रॉड और लेंथी आपको टॉप मिलता है। यहाँ पे जैक्वार है और ये कॉलर, तो कुछ चीज़ें आपको कॉलर की मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको जैक्वार। तो ये था आपका बाथरूम एरिया, फुल फ्रेम ग्लास मिलता है, प्रोफाइल में आपको सारे की सारी चीज़ें मिलती हैं कंप्लीट। फाइनली पूरा घर आपको दिखा दिया है, चारों बेडरूम बहुत अच्छे साइजेस में है। तो फर्स्ट बेडरूम मैंने आपको दिखाया था वो कंपैरेटिव बाकी तीन बेडरूम से स्लाइटली छोटा है, बट बहुत जगह के कंपैरिजन में वो बड़ा है। गेस्ट रूम आप इसको समझ सकते हैं, बाकी ड्राइंग डाइनिंग लॉबी बहुत ही ह्यूज आपको मिलती है। तीनों बेडरूम काफ़ी बड़े हैं, आप तीनों बेडरूम को आप मास्टर बेडरूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बेडरूम बाकी छोटे नहीं हैं। तो वॉशरूम का साइज़ भी बहुत अच्छा है आपको, किचन का साइज़ आपको बहुत अच्छा मिलता है। वर्कमैनशिप अभी चल रही है, लास्ट फिनिशिंग स्टेज पे है, तो वो भी बहुत अच्छी आपको मिल जाएगी। तो आई थिंक आपको ये घर अच्छा लगा हो, वीडियो बहुत दिल से बनाते हैं। प्राइसिंग के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली चौथा फ्लोर आ गया है, तो अभी कुछ ना कुछ हलचल चल रही है मार्केट में, ये ऊपर की साइड में जाएंगे या रुकेंगे तो वो एक बार सोचना जरूरी है। बट हाँ, अगर आप कॉल करेंगे तो मैं आपको प्राइस बताता हूँ, पूरी डिटेल में बात करता हूँ। अप्रोच बहुत अच्छी है, एक विजिट करें, अगर आपको इतना बड़ा साइज़ पसंद आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझे लगता है लोकेशन को देख के आप ना नहीं करेंगे, तो आई थिंक पूरे आपको मैंने डिटेल में समझा दिया है। तो मिलते हैं ऐसे नई वीडियो में, गुड बाय।